हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बता रहा हूँ क्लास सेवन मैथ्स प्रश्नावली 15.3 क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा है, एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर है तो शीट की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिएगा, ये क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम वृत्त का ही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि दिया हुआ है। तो लिखेंगे, चल उत्तर लिखेंगे, एक वृत्ताकार जो शीट दिया है इसकी परिधि ये चारों तरफ को बोलते हैं। तो ये हमारा वृत्ताकार एल्युमिनियम सेट की परिधि इक्वल टू 220 मीटर है। 220 मीटर तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सीट की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr होता है। तो वृत्त की परिधि, वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर है, तो परिधि के स्थान पे 220 मीटर रख देंगे। और पाई का मान 22/7 दिया है तो उसको वैल्यू पुट कर देंगे और r का मान, त्रिज्या का मान निकाल लेंगे, उसके बाद व्यास निकल जाएगा। तो लिखेंगे 2πr इक्वल टू 220, दैट्स मीन्स आर इजक्ल टू 220/2πr। अब 2π, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 220/2 गुने पाई का मान 22/7, तो 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो 22 को एक बार में कटेगा और ये 22 कट जाएगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 1 और ये 5, तो 5×7 इक्वल टू 35 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। तो लिखेंगे वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की त्रिज्या इक्वल टू 35 मीटर। तो ये त्रिज्या मिल गया, तो हमारा व्यास निकालना है। तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 35×2=70 हमारा हो जाएगा व्यास। तो लिखेंगे वृत्ताकार एल्युमिनियम सीट व्यास इक्वल टू 2×35=70 मीटर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई दी हुई है और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे मतलब कि 60 मिनट, तो 60 मिनट में 1 घंटे मिनट की सुई 1 बार चक्कर लगाती है, तो 1 बार में कितनी दूरी तय करेगी। इसका दूरी निकालने के लिए हम घड़ी की मिनट की सुई द्वारा पूरा जो परिधि बनेगा उस वृत्ताकार घड़ी का, वही परिधि ही निकाल लेंगे। तो हमारा मिनट का सुई द्वारा कितना दूरी तय की गई वो मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे पाई का मान 3.14 दिया है, तो उसका उपयोग करेंगे और दूरी का ज्ञात करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे आंसर, लिखेंगे घड़ी की मिनट की
सुई द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू हो जाएगा 2πr, और ये लिख देंगे एक घंटे में तो मतलब एक चक्कर लगाएगी, तो लिखेंगे 2 × 3.14 इंटू सुई की लंबाई दी है 6, तो ये लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6.28 × 6, तो ये हमारा चला आएगा 37.68 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है कि कितनी दूरी तय करेगी एक घंटा में, तो यही दूरी तय करेगी 37.68 मीटर। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम दूसरा वीडियो ला रहे हैं। थैंक यू।